अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, ये हमने एक कुर्ती लिया है जो इसका साइज़ बहुत ही लंबा था, जिसे हमको साइज़ से ज़्यादा लंबा था, तो इसका हमने नीचे से कटिंग किया है। तो इससे इससे हम थाल पोस बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसका सिलाई कर दिया है और मैंने काटते हुए नहीं दिखाया है, और कितना काटा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यही इसका साइज है। अगर आपको इसको साइज से कटिंग कर रहे हैं तो ये आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसे थालपोस बना लिया है। और ये देखिए, ये जो प्लेट है, ये प्लेट इसमें नहीं था, ये हमने दिया है ताकि थालपोस का अंदर से साइज बना सके। तो देखिए, इतना साइज का मेरा 4 से 5 इंच के करीब में हम इसे काट सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा काटना हो तो भी काट सकते हैं, इस तरह से आपका थालपोस और बड़ा हो जाएगा। देखिए, ऐसे हमने काट लिया है। तो देखिए, इसको हमने इस तरह से सेट किया है, और प्लेट हमने इसीलिए दिया था कि चारों तरफ से ये गोलाई का आकार अच्छे से आ सके। ये देखिए, सिर्फ इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको इस तरह से प्लेट दे दिया है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके, ताकि ये पूरा गोल हो जाए। और इसमें हम ये देखिए, ये वाला थालपोस हमने बताया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए, ये वाला है जो थालपोस, इसी में हम इस तरह से मशीन से ज्वाइंट करेंगे। देखिए, इस तरह से चारों तरफ से ज्वाइंट करके फिर आपको दिखाते हैं। और ये वाला जो है, यहाँ पे हम आप अपने डेकोरेट के लिए चाहे मोती लगाइए, चाहे कुछ भी, यहाँ पे पम लगा सकते हैं जैसे लटकन के तौर पर। तो हम ये पूरा सिलाई करके आपको दिखाते हैं, मशीन से सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे हम इसे इस तरह से मोड़ के और थोड़ा सा बीनेंगे इसे, इस ऊन से, और क्रोशिया ये वाला हम लेंगे, 7 नंबर का क्रोशिया लेंगे। और देखिए किस तरह से बनाते, सबसे पहले इस तरह से एक नॉट लगाएंगे ऐसे, और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चैन लेंगे और इस तरह से, ये जो है ऊन जो मोटा है तो इसलिए हमने पतला क्रोशिया लिया है, जैसे कि मोटा क्रोशिया से आप इस तरह से ये ऐसे फंदा लेंगे तो ज़्यादा हॉल हो जाएगा, इसलिए हमने पतला क्रोशिया से ये वाला बना रहे हैं। देखिए, फिर से 2 चैन लेके और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, पूरी रो इसी तरह से बनाएंगे और बना के आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से आएगा तो पूरा हम बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने 3 लाइन ये बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम वाला थालपोस रखेंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ज्वाइंट करने के बाद किस तरह से दिखेगा दिखाते। ये देखिए, इसके अंदर ये वाला हमने थालपोस रख दिया है, और ये जो है इसको पकड़ के और इसको पकड़ के इस तरह से हम सिलाई कर देंगे नीडल से, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरह से करके चारों तरफ से हम सिलाई करेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किनारे में झालर किस तरह से लगाना है। ये देखिए किस तरह से हमने सेट कर दिया है, और ये जो लास्ट वाला जो रहेगा,
तो ये मैं आपको किस तरह से जोड़ेंगे नीडल से वो हम आपको बता देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने पूरा सेट कर लिया है और पूरा हमने सिलाई कर लिया है। एक तरफ का रुक गया है, वो जो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सिलाई करना है। तो ये थर्ड पोस हम इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि ये जो आपका इस साइज का थर्ड पोस रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप बड़ा कर सकते हैं। और ये जो कपड़ा, आप कोई भी कपड़ा छोटा करना चाहते हैं तो उसको खराब करके काट के फेंकिए मत। इसलिए हमने उस कटे हुए कपड़े को इसमें ज्वाइंट करके इस थर्ड पोस को बड़ा किया है, इसलिए थर्ड पोस दिखाया गया है। तो देखिए, ये उल्टे की तरफ से कर दिए हैं और इस दोनों को इस तरह से लेके ऐसे सिर्फ सिलाई किए हैं। ये बहुत ही आसान है। आपके घर में थोड़ा सा छोटा सा थाल पोस है तो आप उसे बड़ा कर सकते हैं और आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। कटा हुआ कपड़ा कोई भी कहीं भी फेंक देता है, इसलिए उसको किसी काम में लगा दें। देखिए ये हो गया, इसको कट करके ऐसे निकाल देंगे। देखिए अब इसको आप चाहें तो कोई भी डेकोरेट कर सकते हैं, सितारा से यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला, देखिए इस वाला सितारे को झालर में लगा दूंगी। और ये धागा लेंगे और क्रोशिया वही रहेगा, 7 नंबर क्रोशिया। इस कपड़े में मोटा वाला क्रोशिया से आप बनाएंगे तो ये अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, इसलिए हमने पतला क्रोशिया यूज़ किया है। ये मेरा मैग्नम का आवाज़ है, गुस्सा से बोल रहा है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ऐसे करेंगे इस तरह से। और ऐसे लेंगे और फिर इतना टान के इस तरह से, देखिए इस तरह से आपका झालर कंप्लीट हो जाएगा। खूबसूरत भी लगेगा देखने में, थोड़ा सा डेकोरेट हो जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। इस तरह से करके पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि ये दिखने में कैसा लगता है। मेरा कटा हुआ कपड़ा ख़राब नहीं हुआ, इसको देख के हमको खुशी होगी, आपको भी खुशी होना चाहिए। ये देखिए, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं इस बचे हुए कपड़े से। देखिए इस तरह से आएगा, तो हम पूरा रो बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सारा बना लिया है, ये आपको पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये लास्ट है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आपका कोई भी कपड़ा हो उसे काट के और बड़ा थालपोस बना सकते हैं। अगर छोटा फ्रॉक भी काट रहे हैं तो छोटा थालपोस भी बन जाएगा इस तरह से। इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, इस तरह से इसे कट करके निकाल देंगे। और देखिए ये आपको कैसा लग रहा है,
ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, हम पूरा खोलकर दिखा देते। तो देखिए दोस्तों, ये बनने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप सेनी पर रख के देखिए या बड़ा प्लेट पर रख के देखिए, इस तरह से आपको लगेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।